तो जय हिंद गाइस, मैं सुकून स्वागत करता हूँ इसी YouTube चैनल एस के बैंकिंग में। और गाइस बात करने वाले हम लोग का जो है जन सुरक्षा का पोर्टल है, जो इंडियन बैंक का जन सुरक्षा का पोर्टल है या फिर आधार सीडिंग का या फिर आधार EKYC का, वो जो है पोर्टल ओपन नहीं हो रहा है। आप लोग देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार का एरर लिखकर आ रहा है, जो कि प्राइवेसी रीजन से इसे जो है क्रोम ये सब में बंद किया गया है, जो इसे खोल नहीं सकता कोई लोग। तो दोस्तों इसका जो है मैं सलूशन बताने वाला हूँ कि ये कैसे काम करेगा और आपके पोर्टल में चलेगा कि नहीं और किस तरह से चलेगा, ये मैं पूरा दोस्तों वीडियो इसी में बताऊंगा। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, भाई वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर दिया करो यार। सब्सक्राइब क्यों नहीं करते भाई, सब्सक्राइब कर देना यार। तो चलते हैं, आपको बताते हैं कि ये पोर्टल जो है क्यों बंद किया गया और ये कैसे खुलेगा। तो दोस्तों आप लोग को पता है कि इंडियन बैंक सिक्योरिटी के रीजन में ये बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इस पर जोर दे रही है और जोरों शोरों से काम कर रही है। तो सिक्योरिटी रीजन में इस जो है वेबसाइट पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और वेबसाइट को बहुत सिक्योर बनाया जा रहा है, इसीलिए जो है इसे लॉक किया गया है, प्राइवेसी रीजन से इसे ब्लॉक कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों इसका जो है इसे आप खोल कर यूज कर सकते हैं, ये कुछ ही लोगों को पता होगा और ये कुछ ही के सिस्टम में खुलेगा, जैसे कि हमारे CSP पोर्टल वाले, कंप्यूटर वाले ये सब खोल सकते हैं। लेकिन आप इसे मोबाइल और जो है क्रोम ये सब में नहीं यूज कर सकते। इसी में बता दूँ दोस्तों, इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं यूज करना है और कहीं नहीं यूज हो सकता। तो मैं आपको बता दूंगा कैसे खुलेगा और क्या क्या करना होगा। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, चलते हैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और दिखाते हैं। और हाँ भाई, जो है आप लोग देख पा रहे होंगे कि इंडोएसी ऐप्स अगर चलाते हैं तो उसमें दोस्तों स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद हो गई है। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग इसी सब रीजन से जो है दोस्तों इंटरनेट बैंक बहुत सिक्योर हो रही है और साथ साथ बहुत अच्छा काम कर रही है। तो आप लोग को चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों वीडियो तो में लास्ट तक बन रही है और वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलते हैं आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों हम आगे अपने PC की स्क्रीन पर चलते हैं, आपको क्रोम ब्राउजर को ओपन करके दिखाता हूँ। भाई ये देख सकते हो, जन सुरक्षा का पोर्टल जो है योर कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट ऐसे लिखकर दिखा रहा है। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, ये जो है जन सुरक्षा में EKYC का और आधार सीडिंग ये सब का कोई भी पोर्टल ओपन नहीं हो रहा है, सिवाय नेट बैंकिंग के। नेट बैंकिंग का ऑप्शन जो है खुल रहा है और कोई भी जो है इंडियन बैंक का EKYC का या फिर आधार सीडिंग का जो ऑनलाइन काम होता है ये सब चीज़ें नहीं खुल रही है। तो दोस्तों मैं इसे ओपन करके दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों मान लीजिए, जैसे मैं जन सुरक्षा का पोर्टल का लिंक को कॉपी कर लेता हूँ, एक बार फिर से रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखिए नहीं खुल रहा है। और यहाँ माइक्रोसॉफ्ट EDGME में दूसरे पे शायद दूसरे ब्राउजर में भी देख पा रहे हो, यही समस्या आ रही है। तो इसमें इस लिंक को कॉपी करता हूँ और चलता हूँ आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर में खोल कर दिखाता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ से मैं आपको एक सेटिंग खोज रहा हूँ, पासवर्ड याद हो गया है, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर देख सकते हो इंटरनेट एक्सप्लोरर में जो है अपना जो है लिंक को खोल रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जान नहीं रहे होंगे आप लोग कि कैसे खोलना होता है। तो इसे खोलने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर खुल रहा है। और ये दोस्तों जो है ID मैं सिक्योरिटी रीजन से हाइड किया हूँ और यहाँ पर पासवर्ड डालने हैं। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर लॉगिन कर रहा हूँ, देख सकते हैं खुल रहा है पूरी तरह से। और यहाँ पर आप लोग कोई भी PMJJBY या फिर PMSBY कस्टमर का अकाउंट नंबर डालकर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हो अकाउंट नंबर डाल रहा हूँ, डालने के बाद फैक्स डेटा करने पर देख सकते हो यहाँ पर पूरा जो है डाटा आ रहा है। और यहाँ पर EBY पर क्लिक करने पर देख सकते हो यहाँ पर पूरे अकाउंट नंबर डालने पर डाटा आ रहा है पूरा तरह से फैक्स करने पर। तो आप लोग देख सकते हो ये कुछ इस प्रकार से इसमें खुलेगा। APY का जो है देख सकते हो सभी चीज़ें इसमें, माइक्रोसॉफ्ट EDGME में नहीं काम करेगी, ओनली बस इंटरनेट एक्सप्लोरर में काम करेगा और क्रोम भी नहीं काम करेगा।